कटघर की रहने वाली रूबी ने अपने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पति प्रदीप को पिछले एक साल से कहीं गायब कर दिया गया है। उसकी दो बेटियां हैं जिन्हें पालने के लिए वो मेहनत मजदूरी कर रही है। रूबी ने बताया कि उसकी शादी को 11 साल हो गए हैं। शादी के समय से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जाता रहा है और अब चोरी छिपे उसके पति की दूसरी शादी कराकर उसे शहर से बाहर भेज दिया गया है। वो न्याय के लिए मुरादाबाद के सभी अधिकारियों के यहाँ शिकायत लेकर पहुँच चुकी है लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। पीड़ित महिला इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अब पीड़ित महिला ने महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराकर इंसाफ की गुहार लगाई है। देखना यह है कि महिला को कब तक इंसाफ मिलता है। मुरादाबाद से लोकेश सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम रूबी है जी। क्या समस्या आपकी? मेरे पति को मेरे ससुराल वालों ने 1.5 साल से कहीं छुपा रखा है। मुझे पता चला है कि दूसरी मैरिज करा दी। मेरे साथ आए दिन मारपीट करते हैं। बच्चों को खाने के लिए भी कुछ नहीं देते। मैं बहुत परेशान हूँ। लगातार चक्कर काट रही हूँ, इधर उधर भटक रही हूँ। हर अधिकारी के पास गई हूँ लेकिन अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिल पाया है। आज मैंने ये अपनी एप्लीकेशन मुख्यमंत्री पोर्टल पे और महिला आयोग को भेजी है ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। मैं और मेरे बच्चे दर दर की ठोकर खाने से बच जाए। कहाँ है पति आपके? मुझे कुछ नहीं पता है लेकिन ये घर वालों को भली प्रकार जानकारी है कि वो कहाँ पर हैं। उनकी नॉलेज में ही है और उन्होंने ही सब कुछ किया है। बताने को तैयार नहीं है, ना ही मेरे पति को वो बुलाते हैं। तो क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे पति मिले और मेरे बच्चों को इंसाफ मिले और हम दर दर की ठोकर से बच जाएं। पुलिस को भी भली प्रकार जानकारी है। थाना कटघर में जाती हूँ तो पुलिस ये कहती है कि हम क्या करें, तेरे ससुराल वालों ने किया है तो वो जाने और तू जाने, हम इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। तेरा पति तेरे सामने ही नहीं आना चाहता।